कर लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की, तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में तेज हुई सियासी हलचल। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में सियासी हलचल तेज, राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक और भूपेंद्र हुड्डा कल ही बहुमत को लेकर गणित समझाते हुए नजर आ रहे थे। तो दोपहर 2 बजे मुलाकात होगी राज्यपाल से, हरियाणा के राज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस के विधायक। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा कांग्रेस विधायकों ने, तो विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाला है। तो चंडीगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लिया, कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, और उसके बाद से ही ये सियासी हलचल लगातार देखने को मिल रही है। राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा कांग्रेस ने, अब ये मुलाकात होने वाली है। तो राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। दोपहर 2 बजे राजभवन पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक। तो चंडीगढ़ में सियासी हलचल तेज, दोपहर 2 बजे कांग्रेस का जो विधायक दल है वो राज्यपाल से मुलाकात करेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा, दोपहर 2 बजे ये मुलाकात होगी, राजभवन पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल जो है राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेगा, इस खबर को लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल राजनीति की, हरियाणा कांग्रेस के विधायक आज राजभवन पहुंचने वाले हैं, हरियाणा के राज्यपाल से कांग्रेस के तमाम विधायक मिलेंगे। दोपहर 2 बजे के आसपास राजभवन पहुंचने का तमाम विधायकों का कार्यक्रम है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन सौंपने वाला है। राज्यपाल से समय न मिलने पर राज्यपाल के सचिव को यह ज्ञापन जो है वो सौंपा, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट की मांग कर रही है कि कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज ये कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है, तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट जो है वो करवाया जाना चाहिए। तो उससे उसको लेकर राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। अभी तक राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिला है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स है, कांग्रेस के जो विधायक है वो पहुंचेंगे। जी चलिए, एक चीज और है, लेकिन यहाँ पर दोपहर 2 बजे हालांकि मुलाकात की बात कही जा रही है, लेकिन जेजेपी और इनेलो ने भी चिट्ठी लिखी थी जिसमें इनेलो कह रही है कि राष्ट्रपति शासन जो है वह लागू होना चाहिए। जेजेपी के भी अलग दावे हैं, वो भी सरकार गिराने को लेकर ही कहती हुई नजर आ रही है कि सरकार अल्पमत में है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप सियासी समीकरण को, जो भी हरियाणा में हलचल की स्थिति है, 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद और कांग्रेस को समर्थन देने के बाद? देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सियासी संकट इस वक्त हरियाणा की राजनीति पर गरमाया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इसके अलावा उस पर एक पॉलिटिकल गेम प्लान, यानी कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए, या यूं कह लीजिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं कद में छोटा दिखाने के लिए जो बात है वो कही जा रही है। देखिए, नंबर्स की अगर बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के पास तमाम नंबर्स बेशक ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रोटेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस बहुमत को पार करने में बहुत इजीली उस बहुमत को पार कर लेगी। क्योंकि देखिए, कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हुई है, बीजेपी के कई विधायक जो है उनसे नाराज चल रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नंबर्स की अगर बात की जाए तो बेशक सरकार के पास नंबर नहीं है, लेकिन उससे पहले जो परेड कराई जानी है, जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपने तमाम दिग्गजों की परेड वहां कराए, विधायकों की परेड कराए, तो भूपेंद्र सिंह उठा के रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी अपने 10 के 10 विधायकों की परेड वहां कराए, उसके बाद वो तैयार हैं। इस प्रकार की जो माइंड गेम्स हैं, जो पॉलिटिकल गेम्स हैं, वो जरूर चल रही हैं, लेकिन देखना होगा। सबसे बड़ी चीज है, स्पीकर के हाथ में तमाम चीजें हैं, स्पीकर किस प्रकार से इस पूरे मामले को टैकल करते हैं, इस पूरे मामले पर अपना स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अगर स्पीकर चाहें तो सेशन की अनुमति दे सकते हैं, स्पीकर चाहें तो तमाम विधायकों को परेड के लिए बुला सकते हैं। परेड का मतलब है कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो वहाँ एक फिजिकल रूप से प्रेजेंट राज्यपाल के सामने होना जरूरी होता है। तो उसमें जो नंबर्स होते हैं वो सत्ता पक्ष, अगर ज्यादा नंबर्स उन विधायकों के पास विपक्ष के पास हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेशन की अनुमति दी जा सकती है। तो ये इस प्रकार की परेड बुलाने की बात जो है वो तमाम विपक्षी दल यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से समय मांगा गया था राज्यपाल से मिलने का, अभी तक समय नहीं मिला है, तो उसको लेकर भी ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन तमाम कांग्रेस के विधायक आ जा रहे हैं। जी
चलिए ठीक है रवि, अब इस पर तो नजर बनी रहेगी। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी देखिए, अभी रवि जानकारी भी दे रहे हैं कि राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है, कांग्रेस का जो विधायक डेलीगेशन है वो पहुंचेगा, अगर राज्यपाल से समय नहीं मिलता है तो सचिव को ज्ञापन सौंपेंगे। किस तरह से देख रहे हैं अभी जो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है? एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा कल अंकगणित समझाते हुए नजर आ रहे थे किस तरह से बहुमत होगा, अब कांग्रेसी जो है राज्यपाल से मिलेंगे। अमित जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है चलिए दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जो मैंने अमित जी से पूछा आपने भी मेरा सवाल सुना होगा, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा कल अंकगणित समझाते हुए नजर आ रहे थे, बहुमत समझाते हुए नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भी जुड़े थे, बीजेपी प्रवक्ता भी और कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े थे, तो कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से और जेजेपी प्रवक्ता की तरफ से कोई ट्यूनिंग नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का कहना यह है कि इसमें जेजेपी का ही नुकसान होगा, कांग्रेस कहीं ना कहीं जेजेपी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है। रवि क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए शायद कुछ तकनीकी खराबी है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक, और जैसा कि अभी संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका साफ तौर पर कहना है कि दोपहर 2 बजे राजभवन जाएंगे कांग्रेस के विधायक, और अगर राज्यपाल समय नहीं देते हैं तो सचिव को ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल बार बार तो हरियाणा में सियासी हलचल के बीच अब लोगों की निगाहें जो है राजभवन पर टिकी है। कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर राज्यपाल के फैसले का अब इंतजार किया जा रहा है। अब कांग्रेसी पहुंचेंगे तो देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अमित जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय सवाल पूछिए आप अपना। बिल्कुल देखिए, अब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे कांग्रेस के विधायक, मुलाकात नहीं होती है तो सचिव को ज्ञापन सौंपेंगे। अब कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें जो है राजभवन पर ही टिकी हुई है। बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए लगातार इस बात की चर्चा हम भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार की नंबर गेम समझाने की कोशिश लगातार चल रही है, वो नंबर गेम विधानसभा के बाहर है। अब क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की इजाजत देते हैं या क्या निर्देश इस बारे में देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, जेजेपी की ओर से जो लेटर भेजा गया राज्यपाल के नाम, उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया था, और जो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वे एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं, तो वो शायद उन्हें 2 बजे का समय जो है वो मिलता है या नहीं मिलता, वे खाली ज्ञापन देकर आ जाएंगे या मुलाकात का टाइम मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह जरूर है कि राज्यपाल के पाले में गेंद है, वो राज्यपाल इस मामले में क्या अगला आदेश देते हैं, लेकिन वो भी तभी देंगे जब उनके सामने विधायकों की परेड होगी या विधायकों के हस्ताक्षर युक्त जो पत्र होंगे, तभी वो कोई आगे निर्देश दे पाएंगे। उससे पहले वे भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर जो चाहे देखिए कितने भी विधायक एकजुट हो जाएं, किसी कार्यक्रम में एकजुट हो जाएं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा के सत्र के दौरान जो ये विशेष सत्र बुलाया जाता है और फ्लोर टेस्ट अगर होता है, तो उस दौरान विधायकों की मौजूदगी और उनका फ्लोर टेस्ट में किसका समर्थन करना, इस बात को तय करता है कि सरकार का भविष्य क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, सरकार को इसलिए डर नहीं है क्योंकि बार बार जिस प्रकार के बयान आए हैं, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, भाजपा प्रवक्ताओं की बात करें, वे लगातार कह रहे हैं कि बहुमत उनके पास है। और निश्चित रूप से जब जेजेपी की स्थिति इस प्रकार की है कि उसमें लगातार देखिए उनके नेताओं के बयान किस प्रकार के आ रहे हैं, उनके विधायक एकजुट नहीं है, तो ऐसे में जेजेपी पर ज्यादा निगाहें टूटी हुई है, लगी हुई है कि उनके विधायक अगला कदम क्या उठाएंगे। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट में भाजपा सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, ऐसी गुंजाइश कम लगती है। पहले तो फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आएगी, अगर आती है तो भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, वे कहीं से भी इस बात को साबित करेंगे। जी राष्ट्रीय, बिल्कुल। राज्यपाल के पास क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं अमित जी?
देखिए, सबसे पहला विकल्प तो यही है कि जब जेजेपी के 10 विधायक हैं और उनके उनसे पहले वे लिखित में ले सकते हैं कि आप विधायकों के हस्ताक्षर करवाकर लाइए, सबसे पहला कदम तो यही उठाएंगे। और दूसरा, कांग्रेस के और जो बाकी जो बचे हुए 3 एमएलए हैं, चार तो निर्दलीय और एक अभय सिंह चौटाला, तो उनके भी लेटर मंगवा सकते हैं। तो ऐसे में अभी पहले पत्र आएंगे और वे देखेंगे कि 43 के बाद क्या 45 लोग एकजुट हैं। अगर वो एकजुट नहीं है तो फिर उसके बाद उनका अगला कदम तो देखिए राज्यपाल खुद अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा गुंजाइश कम है इस बात की कि वे आदेश दे दें और कहेंगे फ्लोर टेस्ट करवाइए, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार ने पहले ही, नायब सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो 13 मार्च को उन्होंने फ्लोर टेस्ट करवा लिया था। उस समय जेजेपी के विधायक जो है वो अनुपस्थित रहे थे और एक 3 लाइन का व्हीप जारी कर दिया गया था, जिसके बाद जो विधायक वहां पहुंचे थे वे भी वहां से चले गए। तो ऐसे में जेजेपी की स्थिति ज्यादा जो विकट लग रही है कि उनका निर्णय अगला क्या होगा, उनके विधायक न एकजुट होंगे और ना ही वे सदन में भी ऐसी एकजुटता दिखाएंगे, इसका भी विश्वास कम ही है। जी जी, ठीक है। रवि कालीरमन भी हमारे साथ जुड़ गया, अमित जी बने रहिएगा हमारे साथ। रवि, एक चीज और है कि राज्यपाल से मुलाकात का समय इन्होंने मांगा था, हालांकि समय को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सचिव को वो ज्ञापन सौंप देंगे, लेकिन अगर हम बात करें जेजेपी और इनेलो ने भी चिट्ठी लिखी थी, क्या उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है राजभवन से? देखिए, अभी तक राजभवन से कोई रिएक्शन किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन तमाम जो दल है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल से मिलने की बात कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कांग्रेस के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से भी समय मांगा गया था और लगातार ये कहा जा रहा है कि अल्पमत में सरकार है और सरकार को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन प्रदेश में जो है वो लगाया जाना चाहिए या मॉरल आधार पर, या कहीं ना कहीं उसके हिसाब से जो है इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरी राजनीतिक समीकरण प्रदेश में इस पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस राजभवन पहुंचना चाहती है, राज्यपाल से मिलना चाहती है। लेटेस्ट आईएनएलडी की तरफ से भी लिखा गया है, जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी लिखा गया है और कांग्रेस की तरफ से भी लिखा गया है। तो लेटर लिखना एक अलग है, लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस मिलना चाहती है तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल जो है मुख्य विपक्ष भूमिका में जो है वो फिलहाल कांग्रेस है, तो शुरुआत कांग्रेस की तरफ से अब की जानी है किस प्रकार से वो राज्यपाल से मिलते हैं, क्या राज्यपाल उनको कहते हैं। देखिए, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस को समय मिला है नहीं मिला, लेकिन तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, 2 बजे तक राजभवन पहुंचने से उनकी तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि 2 बजे तक राजभवन वो पहुंचेंगे और जो राज्यपाल से समय मांगा है उसके लिए ज्ञापन भी सौंपते हुए वो नजर आएंगे कि समय हमें दिया जाए और प्रदेश की राजनीतिक हालात किस प्रकार के, उसकी उस स्थिति के बारे में भी राज्यपाल को अवगत कराना है। उसके बाद राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र की तमाम चीजें होती हैं कि राज्यपाल उस चीज को कैसे आगे लेकर के चलते हैं, किस प्रकार से उस पर एक्शन लेते हैं। देखिए, अनेक चीजें हैं, अनेक बातें जो है वो कही जा रही है, कई टेक्निकल पॉइंट हैं उनका भी हवाला जो है वो दिया जा रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार अभी हाल ही में बनी थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट उन्होंने पास कर लिया था, एक हवाला ये दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 6 महीने तक अब दोबारा बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। और एक हवाला ये भी दिया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव सरकार के समक्ष पेश किया था और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था, तो कहीं ना कहीं हवाला एक ये भी दिया जा रहा है। लेकिन कुछ एक टेक्निकल पॉइंट, कुछ एक राजनीतिक जो पंडित हैं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पिछली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, अब सरकार बदल चुकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इस प्रकार की भी बातें की जा रही है। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, राजकीय और इन टेक्निकल पॉइंट्स पर तमाम चीजें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जानी है, किस प्रकार से वो इस स्थिति को भांपते हैं, किस प्रकार से स्थिति को देखते हैं, कितना जरूरी क्या लगता है उन्हें, उसी प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, चले, अमित जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए और मुलाकात होती है कि नहीं, क्या कुछ रहता है, इस पर तो आप नजर बनाए रखेगा रवि कहीं ना कहीं। अमित जी, देखिए, जब 2019 में चुनाव हुए थे उसके बाद जब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ, जेजेपी की एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर देखने को मिली थी, भले गठबंधन टूट गया उसके बाद भी अभी सरकार यहां पर इंटैक्ट है, ये ज्ञानचंद गुप्ता ने थोड़े दिन पहले कहा था अपने बयान में, निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद भी। अब अगर हम बात करें जेजेपी की ही, तो अभी जो स्थिति है वहां पर जेजेपी की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या एक फैक्टर साबित होगा यहां पर जेजेपी?
जी ऐसा देखिए राजश्री, इस समय मैंने जैसे पहले भी कहा कि जननायक जनता पार्टी के लिए बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि उनके विधायक एक तो एकजुट नहीं है। देखिए उनके 10 विधायक जीते थे और उस समय एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है जनता ने उन्हें वोट दिया था उन तमाम क्षेत्रों से जहां से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आए थे। बिल्कुल। तो उस समय की अगर बात करें तो जो अगर नानोंद में जैसे कैप्टन अभिमन्यु को हराने का काम किया मंत्री दादा गौतम ने, इसी तरह से जोगीराम सिहाग ने भी हराया, रामकरण काला ने जो जो कैबिनेट मंत्री जो राज्य मंत्री थे कृष्ण बेदी उन्हें हराने का काम किया। तो इस समय उस समय जो मैंडेट था जो अगर जितना भी जो उन्हें समर्थन मिला जनता का वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिला था। इसके बाद वे जाकर उन्होंने पोस्ट अलायंस किया और उससे 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगा। उससे देखिए जनता में निराशा थी, नाराजगी थी और रोष था और गठबंधन टूट गया। उस दौरान भी अगर आप देखें तो जो विधायक उनके थे, चाहे देवेंद्र बबली की बात करें, उनके लिए उनके बयान जो आप अगर पिछले बयानों पर अगर नजर डालें तो उनके बयान जो है वो दुष्यंत के लिए कहीं भी फायदेमंद नहीं थे, सुखद नहीं थे। रामनिवास सुरजाखेड़ा लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस समय थे उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी सराहना करते थे और दुष्यंत चौटाला का नाम भी नहीं लेते थे। तो ऐसे में ऐसे कई बार ऐसी स्थितियां आई और आज के दिन देखिए 10 विधायकों की बात करें तो खुद दुष्यंत चौटाला उचाणा कलां से है, नैना चौटाला बाडाड़ा से एमएलए है और अनूप धानक जो है वो उकलाना से है और जो अमर सिंह जो ढांडा है वो चार जो है वो एकजुट दिखाई देते हैं। बिल्कुल। हालांकि यह बात अलग है कि विधानसभा में जाने के बाद किसकी एकजुटता क्या रहेगी। और बाकी 6 विधायक जो हैं उनमें से ईश्वर सिंह और जो रामकरण काला है वे पहले से ही कांग्रेस के पक्ष में अपनी बातें रखते रहे हैं और कांग्रेस की सराहना कर रहे हैं और शेष 4 जो एमएलए हैं जो जेजेपी के वो भाजपा के साथ कहीं ना कहीं मिलकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए जननायक जनता पार्टी के विधायकों का विश्वास नहीं है कि वे सदन में कितनी बड़ी भूमिका जो है वो दुष्यंत के लिए निभाएंगे। और खासतौर पर जब देवेंद्र बबली का बयान आया अभी पिछले दिनों, उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा था और बड़े प्रहार किए, तो उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला की परिवार की पार्टी नहीं है, ये जननायक जनता पार्टी हमारी भी है। और देखने वाली बात होगी इस तरह की तल्ख तेवरों के बाद जो है वो दुष्यंत चौटाला कितना बांध कर रख सकते हैं। बिल्कुल। और बबली ने ये भी कह दिया कि हमसे दुष्यंत है, राज्यपाल यह कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बयान भी गौर करने वाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल राजश्री मैं यही कह रहा हूँ कि राज्यपाल जी राज्य जी एकजुट है या नहीं तभी तो इन्हें मौका दिया जाए। अगर ये खुद ही एकजुट नहीं है तो और दूसरी बात है कि 4 जून का परिणाम क्या कहता है कि नायब सिंह सैनी खुद चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, उसके बाद क्या रहेगा। और देखिए सदन में 6 विधायक अगर अनुपस्थित हो जाते हैं टीम लाइन के व्हीप के बाद भी तो सारा नंबर गेम बदल जाएगा। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राज्यपाल के पास क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, जो आपने लेटर की बात कही कि उसमें सबके नाम होने चाहिए, कौन किसके साथ है क्या नहीं है, तमाम तरह की चीजें। खैर मुलाकात पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।